वेलकम टू एज कॉमर्स अकेडमी। इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो 11th और 12th में हैं, उनके भी ये क्वेश्चन आता है, एज वेल एज जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो बी कॉम, जो बी ए, जो सी ए, जो सी एम ए कर रहे हैं, जो एम ए के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी ये क्वेश्चन आता है कि वॉट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको पूरा समझा दें, कर्व बना दें जो मैं भी बनाऊँगा, प्लस दो अजम्पशंस लिख दें और दो एक्सेप्शंस लिख दें। बट जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो सी ए, जो सी एम ए कर रहे हैं, वो पूरा जो क्वेश्चन मैं भी समझाने वाला हूँ, ये जो पूरा टॉपिक में जो समझाने वाला हूँ, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना। तो लेट स्टार्ट दी क्लास। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी। तो ये नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल भी होता है। मैं भी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही है और हम खाना खाने बैठे, इतनी तेज़ भूख लग रही है कि कांसीवल की सब्ज़ी भी आ गई तो हम खा लेंगे उसको, इतनी तेज़ भूख लग रही है। हम खाना खाने बैठे, हमने फर्स्ट चपाती खाई, तो जब हम फर्स्ट चपाती खाएंगे तो जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो फर्स्ट चपाती से मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि सेकंड से नहीं मिलेगा, सेकंड से भी मिलेगा। अब हमने सेकंड चपाती ईट करी, तो जब हम सेकंड चपाती ईट करेंगे तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट जो फर्स्ट चपाती हमने ईट करी उससे कम मिलेगा। फिर हमने थर्ड चपाती ईट करी तो हमको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, बट जो हमने सेकंड यूनिट का जो कंजम्पशन करा उससे कम मिलेगा। फोर्थ चपाती ईट करी तो हमारा स्टमक पूरा फिल हो चुका है, बट हमको जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो फोर्थ चपाती में, वो थर्ड चपाती से कम मिलेगा। और अगर कुछ ज़्यादा ही भूख थी तो हमने फिफ्थ चपाती और ईट कर ली, तो फिफ्थ चपाती और ईट करी तो क्या होगा, जितना हमको रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा हमारे चला गया, तो हम नेगेटिव में आ जाएंगे। हम क्यों? क्योंकि जितना हमको चाहिए था, हमारा स्टमक जब हमने चौथी चपाती ईट करी तब पूरा हो चुका, हमको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल चुका, लेकिन जैसे ही हमने फिफ्थ चपाती खाई तो जितना हमको रिक्वायर्ड था, जितना हमको चाहिए था सेटिस्फेक्शन, उससे ज़्यादा मिल गया, उससे ज़्यादा कैलोरीज मिल गई, तो हम नेगेटिव में आ गए। सिक्स्थ चपाती खा ली तो क्या होगा, और नेगेटिव में आ जाएंगे, खाया पिया सारा वॉमिटिंग की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो ये तो था एक एग्जांपल इसको समझने का। अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशन यूनिट मस्ट डिक्लाइन। इट हैपन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, भले चपाती हो, रसगुल्ला हो, रसमलाई हो, कोई सा भी गुड हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाएंगे तो जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होती चली जाएगी, डाउन होती चली जाएगी। विद रेस्पेक्ट टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। कई बार MCQ आ जाता है इसके ऊपर, कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उसको 2 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आया था कि वॉट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अनदर नेम है, और इसका एक नेम और है, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तो दैट इज अ डेफिनेशन पार्ट। अब नाउ कम टू द टेबल। ये हमने एक हाइपोथेटिकल टेबल ली है। हमको मालूम मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डाउन होती है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है पूरा, व्हाट इज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ कार्ड पे भी आ जाएगा अभी इसका ऊपर लिंक, तो आप एक बार वहाँ देख लीजिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन होती है। तो ये टेबल है हाइपोथेटिकल। ये फर्स्ट चपाती, कोई भी कमोडिटी ले लेते हैं हम, फर्स्ट चपाती, सेकेंड चपाती। तो देखिए, जब फर्स्ट चपाती का हमने ईट करा तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी 8। अब जैसे सेकेंड चपाती ईट करी तो मार्जिनल यूटिलिटी डाउन हुई। थर्ड चपाती करी तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी हमको 4 की मिली, फोर्थ पे 2, फोर्थ चपाती जब हमने ईट करी 2, और यहाँ स्टमक फुल हो चुका, जितना हमको चाहिए था वो हमारा यहाँ पर स्टमक फुल हो चुका, 0 हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। और जैसे हमने 6 चपाती खाई तो देखिए हम माइनस में आ गए, नेगेटिव में आ गए, जितना हमको चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया, तो ये नेगेटिव में आ गए। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एक्स है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है। तो देखिए, जब वो फर्स्ट चपाती ईट कर रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 8 का, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट के अकॉर्डिंग हम प्लॉट कर देंगे। जब सेकंड चपाती ईट कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, जब थर्ड चपाती ईट कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी 4 है, जब फोर्थ चपाती ईट कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 है,
फिफ्थ पे जीरो है मार्जिन एरिटरी, और सिक्स पे -2। ये -2 के फिगर्स नीचे आते हैं, ये जीरो और वो है। अब इन सबको हम एड ज्वाइन कर देंगे तो ये जो हमारा कर्व बना ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। तो ये था इसका पार्ट, टेबल और कर्व। लेट्स मूव टू दी अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ। तो फर्स्ट, होमोजेनियस यूनिट ऑफ द कमोडिटी होमोजेनियस, आईई फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल इन नेचर। पहला अजम्पशन, मतलब जितने भी यूनिट्स हैं कमोडिटी के जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजेनियस होने चाहिए। होमोजेनियस मीन्स सेम। सेकेंड, स्टैंडर्ड यूनिट, इट इज अज्यूम दैट कॉमोडिटी इज कंज्यूम इन स्टैंडर्ड यूनिट, अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। मीन्स हम स्टैंडर्ड यूनिट का कंजम्पशन करेंगे, एक कप चाय पियेंगे, स्पून चाय नहीं पियेंगे, एक कप चाय। स्पून ऑफ टी पियेंगे तो क्या होगा, सेकेंड जब स्पून हम टी से टी का कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो डाउन होने की जगह क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो बहुत छोटी यूनिट है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, यानी हम एक कप ऑफ टी का कंजम्पशन करें, एक पूरी चपाती ईट करें। ऐसा नहीं कि उसका एक छोटा सा कॉर्प चपाती का हम ईट कर रहे हैं, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब हम एक स्टैंडर्ड यूनिट का कंजम्पशन करेंगे, एक चपाती पूरी, एक कप ऑफ टी, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट। सेकेंड, कंटिन्यूस कंजम्पशन, मीन्स जब भी हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, सपोज हम खाना खाने बैठे हैं तो हम पूरा हमारा स्टमक फिल करके उठेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक चपाती अभी खा ली फिर एक चपाती हम एक घंटे बाद ईट कर रहे हैं, तो फिर वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डाउन होने की जगह क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अजम्पशन है, मतलब हम जब भी कंजम्पशन करेंगे तो कंटिन्यूस कंजम्पशन करें, यानी हम खाना खाने बैठे तो हम हमारा पूरा स्टमक फिल करके उठेंगे, खाना पेट भर के खाना खा के उठेंगे। ऐसा नहीं एक चपाती अभी खा ली फिर एक चपाती एक घंटे बाद खा रहे, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इसका थर्ड अजम्पशन है। फोर्थ है, नो चेंज इन टेस्ट फैशन एंड कस्टम, द टेस्ट फैशन कस्टम्स एंड हैबिट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज। मीन्स कस्टमर का जो टेस्ट है, जो फैशन है, जो कस्टम्स हैं, वो ड्यूरिंग द कंजम्पशन पीरियड के अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये एक नेक्स्ट अजम्पशन है इसका। फिर है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन। जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंड सिक्स, द कंज्यूमर इज अ रेशनल पर्सन। रेशनल पर्सन मीन्स एक समझदार ग्राहक। मीन्स रेशनल पर्सन कौन होता है, अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी ऑन डिफरेंट कॉमोडिटी इन सच अ मैनर दैट ही और शी गेट दी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर क्या होना चाहिए हमेशा, इसका एक नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो क्या है, कि कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट्स इसके अजम्पशंस। अब नाउ लेट्स मूव टू दी एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ। एक्सेप्शंस वेयर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट अप्लाई, मीन्स कहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट, अनरीजनेबल क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम शुड बी रीजनेबल। इफ द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन आर टू स्मॉल देन एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ कंजम्पशन मे देयर हायर यूटिलिटी टू कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज गिवन वाटर बाय अ स्पून when he is very thirsty, each additional spoon will give more satisfaction. Means, अगर आप किसी प्यासे को एक चम्मच पानी पिला रहे हो तो जो दूसरी चम्मच आप उसको पानी पिलाओगे तो जो satisfaction कम होने की जगह क्या होगा, और increase हो जाएगा। तो reasonable quantity, यानी हम उसको एक glass पानी पिलाएं तो जब वो second glass पानी जब वो पिएगा तब तो फिर भी ये law applicable हो जाएगा। लेकिन आप एक चम्मच पानी पिला रहे हो फिर जो प्यासा इंसान है उसको फिर दूसरी चम्मच से पानी पिला रहे हो तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने रीजनेबल क्वांटिटी नहीं ली कॉमोडिटी की। तो दैट इज़ अ फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड, रेयर कलेक्शन। कई लोग होते हैं ना, किसी को स्टैम्प्स कलेक्शन करने का शौक होता है, किसी को कॉइन्स कलेक्शन करने का शौक होता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे उनको और यूनिट्स मिलती चली जाती है, जैसे कोई कलेक्शन कर रहा है कॉइन्स का तो उसको फर्स्ट कॉइन मिला, फिर सेकेंड कॉइन मिला, फिर थर्ड कॉइन मिला, तो उसकी सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी डाउन होने की जगह क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रेयर कलेक्शन कर रहा है। तो फिर यहाँ पर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई फॉर रेयर कलेक्शन सच एज ओल्ड कॉइन्स स्टैम्प्स एंड सो ऑन बिकॉज द लॉन्गर एंड लार्जर द नंबर ही कलेक्ट्स द ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। नेक्स्ट, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई पर्सन है वो चाय पीता है, बहुत शौक था उसको चाय पीने का, एकदम से उसने चाय पीना छोड़ दी, तो अब आप उसको फ्री में भी चाय पिला दो तो ये वो उसको कंजम्पशन ही नहीं करेगा, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कंज्यूमर का टेस्ट
और जो फैशन है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द कंज्यूमर सपोज टू चेंज टेस्ट एंड फैशन ऑफ द कमोडिटी वट एवर ही शी वॉज यूजिंग प्रीवियसली. मीन्स उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फैशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. तो अगर उसमें कोई चेंज हो जाता है तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. नेक्स्ट, एबनॉर्मल पर्सन. एबनॉर्मल पर्सन मीन्स उसका स्टेट ऑफ माइंड सही होना चाहिए. जैसे कई बार क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा भांग खा लेता है तो क्या होता है, अब उसको खिलाए जाओ वो खाता ही जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस नहीं है. तो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? एबनॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन होना चाहिए जिसने कोई नशा नहीं कर रखा हो. अपन जैसों के ऊपर तो एप्लीकेबल हो जाएगा जिन्होंने नशा नहीं कर रखा. अब किसी को भांग खिला दी आपको तो उसको तो होश ही नहीं है, खिलाया जाओ उसको तो फिर ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल हुआ. तो एबनॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए. दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल पर्सन ओनली जिसने कोई नशा नहीं कर रखा. एबनॉर्मल पर्सन सच एज ड्रंकर्ड्स एंड ड्रगिस्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद दिस लॉ. नेक्स्ट इज हैबिचुअल गुड्स. कई बार होते हैं ना हैबिचुअल गुड्स जो होते हैं, किसी को लिकर की आदत है तो उसको अब आप पिलाए जाओ जब तक वो गिर नहीं जाए. तो क्या हो रहा है, उसको पहला पैक दिया आपने, अपने लिकर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, पहला पैक पिलाया तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरा पिलाओगे और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तीसरा पिलाओगे और सेटिस्फेक्शन मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो उसका हैबिचुअल है और वो जब तक पीता रहेगा जब तक वो नीचे नहीं गिर जाए. तो फिर इन गुड्स के ऊपर जो हैबिचुअल गुड्स होते हैं उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. द लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर हैबिचुअल गुड्स सच एज कंजम्पशन ऑफ सिगरेट्स, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल एक्सेट्रा. चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कंज्यूमर पहले से गरीब था, अब एकदम से क्या हुआ वो अमीर हो गया. तो जब वो गरीब था तो वो कुछ चीज़ों का कंजम्पशन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो अमीर हुआ तो वो उन कॉमोडिटी का कंजम्पशन कर सकता है जो वो पहले नहीं कर पा रहा था. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे जैसे उन कॉमोडिटीज़ का वो कंजम्पशन करेगा जिनका पहले वो कंजम्पशन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब वो अमीर हो गया, उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होने की जगह क्या होगा, वो सेटिस्फेक्शन अब इंक्रीज होगा. तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, क्यों मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगी? क्योंकि जब वो गरीब था तो वो उसका कंजम्पशन नहीं कर पा रहा था, और अब जब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई तो वो अब उन कमोडिटीज़ का कंजम्पशन कर पा रहा है, तो उसका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होने की जगह क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो फिर ये लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. तो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टू होल्ड द लॉ गुड देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर. इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज ही विल कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी विच ही प्रिफर्स. एज अ रिजल्ट यूटिलिटी कैन इंक्रीज रादर देन डिक्रीज. नेक्स्ट इज ड्यूरेबल और वैल्यूएबल गुड्स. इनके ऊपर भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. सपोज किसी ने पहले एक बिल्डिंग परचेस करी, तो अब क्या हुआ, उसकी इनकम और इंक्रीज हुई तो उसने सेकेंड बिल्डिंग और परचेस कर ली, तो उसका सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने की जगह क्या होगी, इंक्रीज होगी. फिर उसने थर्ड बिल्डिंग और परचेस कर ली तो सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी और इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी. तो इस सिचुएशंस में लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. किसी ने एक गोल्ड की चेन परचेस करी फिर सेकेंड परचेस करी तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होने की जगह क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वैल्यूएबल है गुड्स. फिर उसने थर्ड चेन सोने की चेन गोल्ड की चेन और परचेस कर ली तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होने की जगह क्या होगा, और इंक्रीज होगा. तो फिर यहाँ पर वैल्यूएबल जो गुड्स होते हैं, जो ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं, उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स एज वेल एज वैल्यूएबल गुड्स सच एज बिल्डिंग, व्हीकल्स एक्सेट्रा. किसी के पास एक कार थी फिर उसने सेकेंड कार और परचेस कर ली तो सेटिस्फेक्शन कम होने की जगह क्या होगा, और इंक्रीज होगा. फिर उसने थर्ड कार और परचेस कर ली तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज नहीं होगा, उल्टा क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा. तो फिर इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ये थे स्टूडेंट्स एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. स्टूडेंट्स आपको क्लास समझ में आई होगी, क्लास समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. थैंक यू.